मारुति सुजुकी ऑटो एक्सपो 2018 में ऑल इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी कॉन्सेप्ट पेश किया था। इसका नाम ई सर्वाइवर था। ये एसयूवी ट्रांसफॉर्मेशन के थीम पर बनी है। ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी का पवेलियन 4200 वर्ग मीटर से ज्यादा में फैला है। कंपनी एरेना, नेक्सा और मोटर स्पोर्ट जोन में 18 से ज्यादा व्हीकल मॉडल डिस्प्ले किए, जो कि एक रिकॉर्ड था। अब हम आपको बताएंगे इस एसयूवी में क्या है खास। कॉम्पैक्ट एसयूवी के ई सर्वाइवर एक डिजाइन स्टडी मॉडल है, जो कि सुजुकी के दमदार 4WD हेरिटेज को आगे ले जाने का काम करेगा। कॉन्सेप्ट ई सर्वाइवर कई नई टेक्नोलॉजीज को साथ लाने का काम करता है। सुजुकी उन्हें फ्यूचर मोबिलिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। मारुति सुजुकी की इस एसयूवी को भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ई सर्वाइवर एक ओपन टॉप वाली 2 मीटर एसयूवी है। इसको फ्यूचर ऑफ रोडर इलेक्ट्रिक कार भी कहा जा रहा है। मारुति सुजुकी ने पहले ही कहा है कि उसकी 2020 में भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाने की योजना है और कंपनी इस पर काम कर रही है। कंपनी ने इसके लिए टोयोटा मोटर कॉर्प से समझौता भी किया है। मारुति सुजुकी की ई सर्वाइवर पूरी तरह फ्यूचर बेस्ड कार है। मारुति की इस कार में अल्ट्रा हाई ग्राउंड क्लियरेंस है और बड़े पहिए इस कार को बेहतरीन लुक देते हैं। 2 सीट वाली इस एसयूवी में खुली छत है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए मारुति चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगी। X9 टेक की रिपोर्ट।